सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इसी वजह से किसान की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। वह हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष के साथ शादी करना चाहती थी। महिला के मन की बात एक चोर समझ गया था। वह रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने का विचार बनाया। उसने एक झूठी कहानी सुनाई कि सालों पहले मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी छोड़कर मुझे अकेला चली गई। तब से मैं अकेले ही रहता हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया और मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। स्त्री यह बात सुनते ही खुश हो गई। वह फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत सारा धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसे से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। यह सुनकर चोर ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और लौट कर आओ, मैं इसी जगह पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। स्त्री जब घर पहुंची तो देखा कि उसका पति गहरी नींद में सोया है। महिला ने सारे जेवर और नकदी को एक पोटली में बांध लिया और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आता देखकर चोर मन ही मन सोचता है कि मैं अब बहुत जल्द धनवान बनने वाला हूँ, बस इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी पड़ेगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुँच जाती है। उसके बाद वो दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिलती है। नदी को देखकर चोर को एक तरकीब सूझी। उसने महिला से कहा कि देखो, ये नदी बहुत गहरी है, मैं तुम्हें इसे पार कराऊंगा, लेकिन पहले मैं यह पोटली नदी के पार रखाऊं, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, ठीक है, ऐसा ही करना। चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहन रखी है, ये जेवर भी तुम मुझे उतार कर दे दो ताकि नदी पार करने में कोई बाधा ना हो। यह सुनते ही किसान की पत्नी सारे जेवर चोर को उतार कर दे देती है। पोटली में बंधा धन और महिला के सारे जेवर चोर लेकर नदी पार करके चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ, उसकी आंख से आंसू बहने लगी, लेकिन पछतावे के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारा पैसा और जेवर चोर लेकर जा चुका था। दोस्तों, हम किसी को जीवन में धोखा देते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में बुरा ही साबित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा रिश्तों में ईमानदारी रखनी चाहिए।